यदि आप भी चाहते हैं किसी भी इमेज में वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईज इफेक्ट किसी भी इमेज में किस प्रकार से लगाया जाता है। तो चलिए इसके लिए हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के बाद क्या करना है, इसमें यहाँ जो लॉक लगा हुआ है लॉक को क्या करना है, पहले तोड़ देना है। उसके बाद इसका डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। क्या कर लेना है, डुप्लीकेट लेयर। अब डुप्लीकेट लेयर करने के बाद अब क्या करना है, ये यहाँ पे ये टूल है, इस पे आ जाना है। यहाँ स्मूथ्ड टूल है, इस पे क्लिक करेंगे और जो आईज है उसको नीचे की ओर करेंगे। यहाँ से नीचे की ओर इसको पकड़ के देखिए, यहाँ पे अगर इसका ये साइज अगर छोटा बड़ा यहाँ से करना है तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से भी आईज इसको देखिए, इसको हम नीचे की ओर कर रहे हैं, नीचे की ओर इस प्रकार से इसको थोड़ा अच्छा से साफ कर देते हैं, ठीक, ताकि लगे कि हाँ आईज इफेक्ट है। और इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया और इसके बाद यहाँ आना है, इस पर क्लिक करना है जंप टू इमेज रेडी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से शॉर्टकट में आ सकते हैं। और इसके बाद इसका हम एक डुप्लीकेट करेंगे, तो इसके लिए कंट्रोल अल्ट और लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करेंगे, हो गया ड्रैग। अब देखिए ये जो है इसको हम क्या कर देंगे, इसको ये आंख जो दिखा रहा है इस पर क्लिक करके हाइड कर लेंगे। अब देखिए इसको चलाते हैं तो क्या है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो इतना फास्ट नहीं, इसमें है जो हम कर देते हैं इफेक्ट का 0.5। अब देखिए है ना मजेदार। अब इसको सेव कैसे करेंगे, ये तो बन गया। अब सेव करने के लिए आएंगे फाइल पे और यहाँ सेव ऑप्टिमाइज्ड, तो इस पे आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ से जो नाम लिखना है आप लिख लीजिए और GIF, हाँ यहाँ पे GIF ही होना चाहिए, नहीं तो सेव नहीं होगा। और ये हो गया और अब इसको हम ओपन करते हैं। चलिए यहाँ है, मिनिमाइज करने के बाद देखिए ये पिक्चर है, ये पिक्चर यहाँ से आ गया। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।